स्वागत करुच्छे आपको आईसीएस टिप्स मो प्रभात। तो देखो आपणकर काली ओ ट्रिपल एस ग्रुप सी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तो जो थी पिला मैंने बहुत गुड़ा डाउट रही। तो मुझे फर्स्ट डाउट आगे कही रखुच्छे कौन कौन पिला मैंने डाउट रही। तो जो आपंकर वन जो मेनसन कर द रोल नंबर अफ द कैंडिडेट हू आर प्रोफेसनाली सर्टलिस्टेड आज पर पारा 11 अफ द आडवर्टाइजमेंट टू आफियर द फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट फिजिकल एफिसीयसी टेस्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज पब्लिश एट द एनेक्स। तो देखो ये जो देखिए आप 4005 पिला जो भी सिलेक्टेड होती तो से मैंने आपण मैंने समस्ते आपण जो रहा कि फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट को जीवे कि ना। तो आप जो रहा कि रिक्रुटमेंट जो बाहरी जो आडवर्टाइज बाहर ऑफिशियल आडवर्टाइज तो से जगह मेनसन रही कि फास्ट आपंकर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रही है जोटा कि रही है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रही है। तापर आपंकर शॉर्टलिस्टेड होकर आपंकर फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट रहीपर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रही है। आपंकर फर्दर आउ गए लिस्ट बाहर की आपंकर प्रोफेशनल मास्टर लिस्ट आसीजिव यहाँ हूँ आपंकर ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन रही जोटा कि रही आपंकर आडवर्टाइज आसता ताको मुझे डिटेल डिस्कशन करी आउ पिला मैंने डाउट रही कि आम मार्क किपर देख नेक्स्ट डाउट रोच कि मार्क किपर चेक कर गोटे डाउट रोच मत कौ पोस्ट मिले कट ऑफ केते गला ये चारिटा पॉइंट मुझे डिटेल डिस्कशन करी। तो फास्ट कही रखी मार्क केते गला कारण ये समस्त डाउट रही कि फर्स्ट मार्क कथा कहूँ तो मार्क आपने जापर के जिते समस्त सरीज कम जिते सब कम स्वाहा होपर जाए आप निज निज मार्क को देखिपारे ऑफिशियल वेबसाइट भी आसवन जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हे से कैंडिडेट आई डी ही प्रायत तो आपंकर मार्क अपलोड कर दिजिव कि कौ मैंने डिस्क्वालीफाई होती बस ये कनफर्म है। ओके तापर नेक्स्ट पॉइंट को कहे नेक्स्ट पॉइंट रोच कि आपंकर जो रहा कि कटअप केटअप के देखो मते काले बहुत पिला कंटाक्ट कर फर्स्ट कहूँ बहुत पिला कंटाक्ट करती जन पारा पसबिलिटी तो ताधर पाखापाखि सात जन पिला मत सात आठ जन पिला कॉल करते जो मान सिलेक्शन एवं आउ जो रही कि आपंकर छन चार जन पिला रे कि जो मान बहुत भल प्रिपेरेसन करना। तो मुझे फास्ट कही रखुच्छी कि आप जो जो मैंने भी सिलेक्शन होती हार्डली कंग्राचुलेसन जड़े पिला कहला कि सर मोर 128 अच्छी सिलेक्शन होना जड़े कहला कि मोर 123 अच्छी सिलेक्शन होना गोटे पिला कहला कि सर 130 अच्छी यूआर हेले सिलेक्शन होर आज आउ जो पिला कहला कि सर मोर 130 अच्छी यूआर सिलेक्शन होनी आउ गोटे पिला कहला कि सर मोर 32 अच्छी सिलेक्शन होनी एमती पिला कहते। तो आपंकर फाइनाल मार्क केते रहा आपण मैंने ओनली फाइनाल जो रहा कि मेरिट लिस्ट आसो से ही आपण मैंने जापर बर्तमान आप निज मार्क जापारे ना आउ कटअप के गोटे मिनि स्टडी करके आप मिनि ये करके आप पब्लीश करदेवि कि कटअप जाइए और आप गोटे भिड बनई कटअप ये मार्क जबार चानसेस रही तारी आकर्डिंग टू हिं आपर कटअप जाए तापर देखते कि आउ जो रहा कि आपंकर मत कौ पोस्ट मिले मुझ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जी कि ना कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट को जी कि ना। तो ये जगह कही रखुच्छी कि जेहेतु आप आगे कि नोटिस आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोज तो जो दिन भी आप नोटिस आसो से दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब रोज आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जीवाक ही पड़ो से फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हम कि ना कथा अलग कथा देखो ये जगह आप दुईटा पसबिलिटी आसपा गोटे हूँ कौन आपर सेम डेट्रे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम और सेम डेट्रे आप फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट रोज। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मैंने कटे से बाहर कर दिया जो फास्ट रू ही आउ जो मैंने रही से आप फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट कर कनफर्म नुह ए कि आप गोटे दिन में हम कि दुईटा दिन में रोज कारण जो आडवर्टाइज आसाला ताको भी जो नहीं जगह आप देखिपारे। तो देखो ये जगह आप डायरेक्ट मेनसन रही आप जो रहा कि बेसिंग अफ अ परफॉर्मेंस अफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट आफ्टर द वेरिफिकेशन अफ द डॉक्यूमेंट द कैंडिडेट हू आर शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी और स्पेशल कैटेगराइज अफ द अबव ग्रुप अफ द पोस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर द फिजिकल टेस्ट। तो मैंने ये जगह कहला कि आप जो फिजिक जो रिटन टेस्ट रोज रिटन टेस्ट अकॉर्डिंग टू आपको कौन हम जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है तो से मर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहिले से मर फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट रोज। तो फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट आप कौ पोस्ट रोटे रही आप जो रहा कि एक्साइज कनेस्टेबल रहा आउ फॉरेस्ट गार्ड रहा एपंकर कंडक्ट कर तापर देखो ये तो सरल कि आप सर ये आम एथर बुझीपाल आउट रही आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही रही मैंने फास्ट जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती तो आपकी जन भी अच्छा ना समस्त को से जगह जॉइन करने को पड़ो। तापर जो रहा कि आप जो पारा 11 कौन रही है और पारा 12 कौन रही है से दुटा को कही रखुच्छे देखो पारा 11 रहा कि ये जगह ए प्रोफेशनल सिंगल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड
इन ऑर्डर टू द मेरिट ऑफ द बेसिस ऑफ द सम ऑफ टोटल सेकर मार्क बाय द कैंडिडेट इन ए रिटन टेस्ट द मार्क इज अवार्डेड कॉन्ट्रैक्चुअल पे अलग प्रोसेस रहिबो द कमी देखंतु ए जो रहला कि ए पॉइंट को छाड़ी दियंतु एडी कैसे जीवा द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट एट द रेट जो रहले कि 150% जो आपन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रहले जो रिकॉर्ड वैकेंसी रो शैल बी वेरीफाइड और वैलिडेट विथ अ रेफरेंस ऑफ टू द बायोडाटा एंड द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट बाय द अपीयरिंग अथॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर अ वैलिडेशन ऑफ द कैंडिडेट तो देखंतु एटा हो कौन करा जिवो ता पर सेट आपन गोर सर्टिफिकेट जो वेरिफिकेशन करा जिबा परे द कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेंट शैल रिमेन प्रोविजनली तो देखंतु ए जगार जो मानकर सब ठीक ठाक रहिबो से माने से लिस्ट प्रोविजनल रहिबे जो मान न रहिबे से जगार ए जगार कटि जिवे तापर कौन करा जिवो ना ए जगार देयर आफ्टर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द फिजिकल टेस्ट एज ए प्रेस्क्राइब्ड तापर आपनकर फिजिकल टेस्ट को डका जिवो इन केस ऑफ फेलियर और अपीयरिंग द क्वालिफाइंग इन फिजिकल टेस्ट द कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसीडर रिकॉर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ अ फॉरेस्ट गार्ड एंड एक्साइज कांस्टेबल तो जदि आप फिजिकल टेस्ट फेल है आपने पोस्ट को भी जो रही फॉरेस्ट गार्ड आ रही कि आपको एक्साइज कांस्टेबल को आपने क्लेम करेंगे ना तापर से कौन करापर आप गोटे लिस्ट आसपर आप काउंसलिंग रउनसलींग आपर क्या कौ पोस्ट दिजो से डिसाइड कर दिजाव ये रोज काउनसलींग मेनसन कर दि जाए तो ये थिला आपन को पाई ओवरऑल वीडियो टी जदि भी आ गोटे कथा कही रखुची ए जगार देखो आपन को रिसेंटली बहुत गुड़ा एग्जाम रही बहुत गुड़ा एग्जाम होती जमीक आप आर आई एग्जाम होता आर आई एग्जाम रिजल्ट आस ना तापर से आप बहुत पिछले पकईते जो पिला सिलेक्शन हो पाने एग्जाम दे नए चुनाला गोटे कथा छाड़ू तापर से आर आई पिला काटि दिंतु जो रही कि आपट्राक्चुआल हाईस्कल टीचर जो रे से पिलामाने अप्लाई करेंगे तो से पिलामानकर किछि मते जगह सिलेक्शन हो बुझला तो से माने भी अपीयर करे जिबे ना किछि पिलांकर एल आई हेतिबो तो जो मानकर एल आई हेतिबो ना से माने ए एग्जाम दबा को ही जिबे ए जो वेरिफिकेशन को जिबे कारण एल आई थारु एटा पॉइंट बेटर रहइबो फर्स्ट से कहि दे कि एल आई थारु एटा टे बेटर रहइबो एल आई रे आपन को ना 2 इयर जो रहले कि ट्रेनिंग नवा पड़िबो इन दथे डायरेक्ट आपन फील्ड रे जॉब करबे तो बहुत पिला माने एल आई थारु आको प्रेस्क्राइब करबे जॉब करने आउ गोटे पिला मन डाउट रोचे जो मैंने रेलवे सीबीटी टू देखते जीवे ना तो सेटा भी बिल्कुल भूल सीबीटी टू पर प्रिपेरेसन करू थी पारती तो सीबीटी टू से ना यहाँ परफेक्ट जॉब पाइबे जब आप गोटे स्टेज वेरिफिकेशन हो गला गोटे स्टेज जॉब भी पाइबे तो पिलाने जो मैंने खाली सी एस सी क्वालिफाई करते तो से अपीयर करा बहुत मानते जावा बहुत कष्ट यहाँ फर्स्ट क्लीयर होगा ओके देन आउ गोटे कहूँ कि आप जो रहा कि फॉरेस्ट गार्ड आपर एक्साइज कांस्टेबल एथिरे मे भी आपंकर बहुत गुड़ा वैकेंसी रही पारे कहीं कौच देखो कल आतत्राण आमर बहुत भल फॉलोअर अच्छे से बहुत भल कमेंटा गले कि जदि ओडिशा गवर्नमेंट कंबाइन करार तो एक्चुअली जो ओडिशा गवर्नमेंट कंबाइन कला कि आप फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कांस्टेबल को एआरआई अमीन से मिसाई गला तो बिल्कुल भूल तो जो कैंडिडेट मैंने फास्ट कौच कि 140 कि 130 अबव मार्क रखिंट तो से फिजिकल टेस्ट क्लियर करें तो बहुत कम पिला फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट को कंप्लीट करेंगे बहुत कम पिला फास्ट कही रोचे कारण जो रही कि आप एक्साइज कांस्टेबल फिजिकल डेट टे हार्ड अच्छे फॉरेस्ट गार्ड मे भी क्लीयर करदे पारते तो से गोटे पोस्ट तो से आपके वैकेंसी अधिका रही जापे फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कांस्टेबल ओके से जहाँ भी होना कहीं आप ट्राए करी नेक्स्ट वीडियो कौन पर आउ किसी जहाँ भी आपको असुविधा थी सब शॉर्टलिस्टेड करने तो ये थी ओवरऑल वीडियो आपंपाई जो वीडियो भल लगी वीडियो लाइक कर सामने सेयार करूँ आउ फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद।